तरह भाजपा का पूरे देश में सफाया करेंगे। बिहार से शुरू किया है, हम जब जब भाजपा के साथ जाते हैं हमको भाजपा नुकसान पहुंचाती है। हर राज्य को अपने बलबूते राज्य की तरक्की, राज्य का विकास करना पड़ेगा। जिस प्रकार से बिहार आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से झारखंड को और तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट, मैं हूं रंजना। झारखंड में जनता दल यूनाइटेड का प्रसार जो है वो अब हर गांव के हर लेवल तक होगा। जैसे बिहार में पिछले अगर बात की जाए तो विकास की गाथा गढ़ने वाले नीतीश कुमार कहीं पार्टी के ग्रामीण विकास मंत्री मेरे साथ इस वक्त बात करेंगे। झारखंड में जनता दल यूनाइटेड का प्रचार प्रसार आपको प्रभार मिला है, कैसे करना है तैयारी? आज यहाँ आपके अध्यक्ष भी आए थे। आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं झारखंड को, चूंकि जन जन से आप लोग का सरकार रहता है, जगह जगह जाते रहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से आप बातचीत करते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो काम बिहार में किया है इसके प्रति भी आकर्षण है, और हमने जो काम किया है बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो देश का कोई राज उसका जोड़ा अभी तक नहीं लगा सका। देश के प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ता है कि नल जल की योजना है वो पूरे हम देश में लागू करेंगे। बिहार में अनेक ऐसी योजनाएँ हम लोगों ने शुरू किया है जो देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं है। तो झारखंड बिहार से अलग हुआ है और झारखंड के लोगों का रिश्ता बहुत निकट का है, छोटे और बड़े भाई का रिश्ता है, लोग का आना जाना रहता है। तो अब लोग ये समझते हैं कि बगैर नीतीश कुमार की विजन का, सोच का और उनके बिना मॉडल का झारखंड में भी नीतीश कुमार का मॉडल चलेगा, देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये अब झारखंड के लेवल तक ये बात नहीं है, अब तो पूरा देश कबूल कर रहा है कि नीतीश कुमार के मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहिए। झारखंड का प्रभार आपको मिला? नहीं, हमको तो झारखंड का पहले भी था, बीच में मैं नहीं था, बिहार में जब से मंत्री हुए तब से नहीं मिला। विधानसभा लोकसभा सबकी तैयारी अभी से पूरी तरह भाजपा का पूरे देश में सफाया करेंगे। बिहार से शुरू किया है, झारखंड में देख रहे नौजवानों का उत्साह, नौजवानों का सहयोग और ब्लूप्रिंट है झारखंड के लिए जेडीयू के पास। झारखंड में हम लोग जेडीयू को पूरी तरह से फैलाएंगे, और अभी ये तो पहला सम्मेलन हुआ है, अभी हम अगले महीने दो तीन ऐसे और भी बड़े सम्मेलन हम लोग करेंगे। जो कई महत्वपूर्ण लीडर हैं यहाँ पर झारखंड के, वो सब लोग हम लोग के साथ आएंगे और झारखंड में एकदम बिल्कुल एक तरफा। बिहार के गांव में आप ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जल नल नाली सबका विकास कर दिया, झारखंड में कैसे करेंगे? नहीं, कहा हमने कि मौका तो यहाँ के लोग देंगे तो उसको हम लोग यहाँ लागू करेंगे। लेकिन लोगों की अब चाहत है कि जिस प्रकार से बिहार आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से झारखंड को और तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब झारखंड के जमीन के अंदर, झारखंड के जमीन से ऊपर जो दौलत है वो देश के किसी शायद किसी दूसरे राज्य में नहीं है, ये सब कुछ यहाँ रहते हुए पर भी ये पिछड़ा राज्य और राज्य पिछड़ रहा है, और जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं उसको देश की जो सरकार है उसको समर्थन नहीं मिल रहा है, वो धन राशि मांगता है तो नहीं मिलता है। हर राज्य को अपने बलबूते राज्य की तरक्की, राज्य का विकास करना पड़ेगा। जेडीयू झारखंड में भी भाजपा का वोट काटना शुरू कर देगी क्या? नहीं, जेडीयू तो आगे बढ़ रहा है, भाजपा तो कहाँ जाएगी? झारखंड में अस्तित्व विहीन हो गया था जेडीयू, अस्तित्व विहीन जेडीयू का? नहीं नहीं, अस्तित्व कार्यकर्ता ग्रामीण लेवल पर नहीं, अभी तो अगर कार्यकर्ता नहीं तो आप जिसमें से ढूंढ लीजिए कि कौन कौन कार्यकर्ता हैं, कौन असली हैं, कौन नकली है, इनको हम 25 साल से जानते हैं। अब ये कार्यकर्ता राजनीति में जेडीयू का सक्रिय है, कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई थी जिसके कारण एमएलए नहीं बना पाए। अंदरूनी कला? नहीं, अंदरूनी कला नहीं है, हम जब जब भाजपा के साथ जाते हैं हमको भाजपा नुकसान पहुंचाती है। अभी आपने देखा कि हमारा मणिपुर का 6 MLA भाजपा ने गटक गया, उसके पहले मणिपुर के पहले अरुणाचल में हमारे MLA को लेकर चले, कभी भी भाजपा में हम एक जीते थे, वहां के सरकार में मिनिस्टर थे, वहां से भी हमारा 1 MLA को तोड़ लिया। क्या जेडीयू झारखंड में भी भाजपा को अपने में लाएगी? क्या कुछ विधायक है? नहीं, भाजपा हमारे पास तो अभी विधायक नहीं है, लेकिन भाजपा को शिकस्त देने के लिए हमारे पास जो फौज तैयार हो रहा है 2024 में लोकसभा में उनको पता चलाएंगे, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी उसका।
ये भाजपा को 2024 के चुनाव में शिकस्त करने की जेडीयू ने पूरी तैयारी कर ली है। ये आज यहाँ पे कॉन्क्लेव था और अगर इनकी बात कही जाए तो इन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी बड़े बड़े कई सम्मेलन झारखंड में किए जाएंगे। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बढ़ेगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।